गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राहुल जी के हब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा आज आपको UPSI एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, सभी ने आज का अमर उजाला तो पढ़ा ही होगा। यूपी एग्जाम जो SI का एग्जाम है वो जुलाई में कैंसिल हुआ था फ्रेंड्स, और उसकी डेट आ गई है फ्रेंड्स। आज के अमर उजाला में 12 दिसंबर से 25 दिसंबर का बताया गया है फ्रेंड्स कि ये एग्जाम आयोजित होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि UPSI का जो एग्जाम अब हो रहा है वो लगभग, ये तो पता ही होगा कि 6 महीने के बाद ही हो रहा है। जुलाई में इसको कैंसिल किया गया था और 6 महीने के बाद ये ऑर्गेनाइज हो रहा है फिर से फ्रेंड। तो सबसे पहले वाली बात तो ये है कि एग्जाम में कुछ चेंजिंग किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, वही संस्था एग्जाम करा रही है या दूसरी संस्था एग्जाम करा रही है। और कुछ फ्रेंड्स ने मैसेज करके मुझसे पूछा है कि सर ये ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि 6 महीने बाद एक एग्जाम हो रहा है और SI के एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न रहने वाला है, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी। तो एक आपको प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि 6 महीने का आपको समय मिला है, और जिन स्टूडेंट्स ने अगर इसके लिए प्रिपरेशन की है 6 महीनों में, तो उनके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। सेम पैटर्न बिल्कुल रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने पूछा है कि सर ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन होगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर ऑफलाइन एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऑनलाइन में पेपर लीक होता है। तो इन सभी अफवाहों से आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स वो ऑनलाइन ही होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। हाँ, एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड होंगे और आपका सेंटर किसी और जगह जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि UPSI में क्या पैटर्न रहने वाला है। पहले की तरह फ्रेंड्स रहेगा और बहुत मजबूती के साथ में तैयारी करनी है क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं। आप देख सकते हैं 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तो लगभग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान के चलें तो 25 दिन का ही टाइम बचा है, और इन 25 दिनों में हमें दोबारा से वैकअप लाना है जो हमने तैयारी की थी जुलाई में फ्रेंड्स, मई और जून के महीनों में जुलाई के लिए तैयारी करी थी, अब वो हमें करनी है 12 दिसंबर से 25 दिसंबर के लिए। तो इन 25 दिनों में हमें दोबारा से रिकवर करना है सारी चीज़ों को। तो आप, मैं वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स, उनको आप देखते रहिए। मैं कल से ही वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको वीडियो मिल पाए। और मैं विश करता हूँ फ्रेंड्स कि सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देखें वो पूरा ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या पैटर्न रहने वाला है UPSI का इस बार फिर से। एग्जाम के सिलेबस की बात मैं करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले जान लेते हैं। पहली में सो फ्रेंड्स हिंदी आई थी जुलाई के एग्जाम में, वो सेम रहेगी, 40 नंबर की आएगी। इस पर काफ़ी आपको ध्यान देना है, इसमें 40 प्रश्न आपके आने वाले हैं जो लगभग 100 नंबर के होंगे। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न होगा इस पर काफ़ी विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा तीन भागों में बटा हुआ है। पहला जो यहाँ पर आएगा आपका वो मूल विधि रहेगी। पिछली बार सुनने में आया था कि मूल विधि काफ़ी कम नंबरों की आ रही है और संविधान कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो मूल विधि जो है लगभग 12 नंबर के आने के चांसेस हैं। संविधान जो है वो भी 12 नंबर का ही आएगा, तो लगभग ये दोनों मिलाकर जो हैं वो 24 नंबर के आएंगे। इसके बाद जो तीसरा पोर्शन मैंने बना रखा है उसमें सामान्य ज्ञान लानी है, जिसमें से आपकी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और विविध नॉलेज भी आ सकती है। इसको 16 नंबर का इस बार भी रखा गया है, तो ऐसे 24 और 16 ए भी 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। चलिए फ्रेंड तीसरे पोर्शन की तरफ हम चलते हैं। ये तीसरा पोर्शन जो है वो मैथ्स का है, और मैथ्स में क्या आने वाला है, मैथ्स में दो प्रकार की मैथ्स आएगी, एक बुद्धिलब्धता वाली आएगी और एक मानसिक अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो मैं इसको दो पोर्शन में भी बांट देता हूँ, एक तो मानसिक बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फ्रेंड्स मानसिक वाले आ सकते हैं, और दूसरे बुद्धि लब्धता वाले क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम तीसरे पोर्शन की तरफ, सॉरी चौथे पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हम रीजनिंग को लेते हैं। रीजनिंग क्या रहने वाली है, रीजनिंग में देखिए ये भी दो प्रकार की ही आएगी, एक मानसिक और एक बुद्धि लब्धता वाली आएगी, और इसमें कुछ अभिरुचि वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये दो प्रकार की भी आएगी फ्रेंड्स, इसके नंबर जो होंगे लगभग ये बटी हुई आएगी, तो 40 क्वेश्चंस के आने वाले हैं, और इन दोनों के भी जो हैं वो लगभग 40 क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे लगभग ये जो एग्ज़ाम होगा 160 क्वेश्चंस पहले भी आए थे, और 160 क्वेश्चंस फ्रेंड्स इस बार भी आएंगे।
तो हमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? रीजनिंग में इस बार काफी प्रॉब्लम हुई थी जुलाई के एग्जाम में, मैंने देखा था इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस आए थे, तो उन पर ध्यान देना है, वो क्वेश्चंस हो सकते हैं फिर से आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस दोबारा आ सकते हैं, तो हमें टाइम है, हमें पता चल गया था कि पहले सिलेबस कैसा था, तो हम तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद जो प्रॉब्लम होने वाली है फ्रेंड्स, वो मूल विधि को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, 6 महीने का टाइम मिला था। अगर मूल विधि आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मूल विधि ज्यादा से ज्यादा फिर से 4 या 5 नंबर की ही आएगी, मैक्सिमम हो सकता है 5 नंबर की आ जाए, वरना 4, 3 या 2 की भी आ सकती है। और जो संविधान होगा वो बढ़कर आएगा फ्रेंड्स, संविधान जो कि यहाँ 12 नंबर का दिख रहा है, वो 12 से बढ़कर फ्रेंड्स 20 नंबर तक का पिछले एग्जाम में आया था, तो संविधान को काफी सही से आपको पढ़ना है। इसके बाद विविध नॉलेज में भी आपको नॉर्मल फैक्ट्स पढ़ लेने हैं, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी के नॉर्मल फैक्ट्स पढ़ने हैं, जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस में आएंगे और विविध नॉलेज के भी क्वेश्चन आंसर हैं। और यहाँ जो 16 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपके बल बाकी सब्जेक्ट को ना समझें, यहाँ पर करंट के क्वेश्चनों को बिल्कुल ना भूलें, 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस इन्हीं 16 में से करंट के आने वाले हैं, तो बिल्कुल करंट को बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जो आने वाली है वो 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस की आएगी फिर से। तो आपके पास जो 4-5 महीने का लास्ट का जो मटेरियल है करंट का, उसको जल्दी से जुटा लें और वो मटेरियल पढ़ डालें, क्योंकि आपको बिल्कुल प्रॉफिट होने वाला है इन 5-10 क्वेश्चंस में, और संविधान को भी बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद जो आपको प्लस पॉइंट देगा वो है हिंदी, अगर हिंदी में आप 40 में से लगभग 35 क्वेश्चन करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपको प्लस पॉइंट देगा, और जो आपकी मैथ जिसकी वीक है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देगा फ्रेंड्स। तो ये एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है यूपीएसआई के लिए, और मैं विश करता हूँ कि सबका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया रहे, और मैं संविधान के नोट्स और हिंदी के नोट्स आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स, इसमें आपको काफ़ी परेशानी होती है, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आपको कल से यूपीएसआई के लिए वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर माई वीडियो, वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।